हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल राज बाइक डॉक्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में देख रहे हो मेरे पास है साइकिल। दोस्तों आप बहुत बार कमेंट करते हो कि दोस्तों जो हैंडल होता है दोस्तों ये चिमटे के अंदर जाम हो जाता है, यहाँ पर ये बाहर निकलता नहीं है। ये यहाँ पर बोल्ट होता है, इसको खोलने के बाद ही बाहर नहीं निकलता। इसको बाहर किस तरह से निकाले कि हमें इसको रिपेयर करना है, यहाँ से गोली कटोरी डालनी इसके अंदर नई, तो हम इसको बाहर किस तरह से निकाले। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि बाहर नहीं निकलता तो हम क्या करें, किस तरह से इसकी गोली कटोरी चेंज करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा चिमटा है जो ख़त्म हो चुका है, यहाँ से कट चुका है पूरा बिल्कुल एकदम। तो हम इसको पहले इसको बाहर निकालेंगे फिर इसको रिपेयर करेंगे। अब दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा किस तरह से क्या क्या करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ का बोल्ट खोल दिया बिल्कुल, और मैं इसको ठोक ठोक के बाहर निकाल रहा हूँ तो निकला नहीं दोस्तों, एकदम जाम हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर फंसा होता है एकदम, फुल जाम हो चुका है, बिल्कुल हिल नहीं रहा कहीं भी। तो हम ऐसे करेंगे तो इसमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी इसमें कुछ ना कुछ, और ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि जो हमारी हैंडल है दोस्तों यहाँ से हमें इसको यहाँ से काटना है, यहाँ से ऊपर से काटना है, बिल्कुल नीचे से नहीं काटना है, इसको यहाँ से ऊपर से काटना है, यहाँ से काटना है इसको, यहाँ पर कट लगाएंगे इसको बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ये पूरा पूरा पोर्शन इसका बाहर निकल जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम इसकी गोली कटोरी चेंज कर सकते हैं और इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं, मैं इसको काटता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं इसको लेंडिंग वजह से इसके कट लगा लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मैं इसको यहाँ पर कट लगा लिया और ये देखिए फ्री हो चुका है यहाँ से, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे हैंडल को, तो जिस तरह से फ्री है इसके बाद दोस्तों जो इसके सामान होते हैं इनको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हो दोस्तों एकदम फ्री हो चुका है और एकदम ही पूरा पूरा कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे चिमटा यहाँ से कितना खत्म हो चुका है। तो पहले से इसको रिपेयर करेंगे, यहाँ पर बेल्डिंग की मदद से इसके अंदर माल भरेंगे, फिर इसकी गलेंडर से घिसाई करेंगे इसके बराबर, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों क्या करना है। तो पहले मैं इसको रिपेयर कर लेता हूँ, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने इसमें बेल्डिंग तो कर ली है चारों तरफ इसके, और अब इसकी ग्लेंडर से घिसाई करूँगा, इसको बराबर करना है वापस, बस इसको भी करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने इस चिमटे को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है और अब एकदम ये चलने लायक हो गया दोस्तों, अभी टूटेगा भी नहीं। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी दोस्तों, आज तक ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने किया नहीं होगा दोस्तों यूट्यूब पे साइकिल से, कि दोस्तों अधिकतर लोग इसे टूट जाता है, इसको बिल्कुल नया डालते हैं। तो आप दोस्तों ये पहली वीडियो है दोस्तों यूट्यूब पर, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं अपन। दोस्तों अब हम इसका हैंडल कौन सा फिट करेंगे और हैंडल कौन सेट फिट करने के लिए मैं पहले एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप जाके उसको देख सकते हैं, जो कि पूरी उसके अंदर नॉलेज दिया रखा है। तो हम इसको जल्दी से फिट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन लेंगे इसकी जो बड़ी वाली कौन होती है, जो आपका यहाँ पर पूरी बैठेगी, फुल यहाँ पर पूरी जाके बैठेगी एकदम, इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आप देख रहे हो कि एकदम पूरी बैठनी चाहिए, यहाँ पर एकदम पूरी बैठ चुकी है। इसके अंदर गोली जमाएंगे, 1-8 की जो गोली आती है वो जमाएंगे, गैस लगा के इसको जमा लेता हूँ फटाफट से। अब देख रहे हैं कि मैं इसके कोन के अंदर गोली जमा ली है और अब इसको इसके चिमटे के अंदर डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से चिमटे के अंदर डल जाएगी, और इसके बाद जो इसकी टॉप की ऊपर आती है कोन उसको डालेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं इस तरह से काम करेगी अच्छे से,
मस्त मक्खन की तरह। अब इसको इसके साइकिल के अंदर फंसाते हैं इसको, तो इस चिमटे को इसको साइकिल के अंदर फंसाएंगे। कुछ इस तरह से एक इस तरह का आएगा कटोरी वाला, उसको लगाएंगे। ये लग चुका है दोस्तों। और उसके बाद इसके ऊपर की कोन होती है, उसके अंदर गोली जमा के इसको भी बैठाएंगे इसके अंदर, तो वो जमा लेता हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों इसकी दूसरी वाली कोन भी रेडी है, आप देख रहे होंगे इसके अंदर गोली लगा दी मैंने, और इसको भी फिट कर देंगे इसके अंदर इस तरह से। इसके ऊपर इसकी जो कटोरी आती है दोस्तों, वो कटोरी को लगाएंगे, जो बड़ी वाली कटोरी आती है जिसके अंदर परमानेंट रहती है वही। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक बड़ा सा वाइसर है, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, इसलिए गैप को कम करने के लिए। और इसके बाद कुछ इसका ये, इसके बाद इसकी जो डेबरी आएगी दोस्तों, ये डेबरी आप देख रहे हैं हैंडल कुछ इस तरह से फिट हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसका जो हैंडल है दोस्तों, जो हमने काटा था, इसको वापस एकदम सीधा रखते हुए इसको वापस बेल्ट करेंगे। एकदम इसको सीधा रखना है, नहीं तो बाका रहेगा तो बहुत दिक्कत देगा हमें, तो इसको एकदम सीधा रखना है, फिर हम इसको बेल्ट करेंगे। चलो दोस्तों ये प्रोसेस भी शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों साइकिल, और इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है कुछ भी। अगर हम इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते तो पता नहीं दोस्तों, हैंडल भी ख़राब होता है इसका, वो चिमटा भी ख़राब होता है, दोनों काम में नहीं आते, लेकिन हमने दोनों को काम में लिया है और कुछ भी ख़राब नहीं किया दोस्तों। और दोस्तों ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में जो बेल आइकन का बटन देखा उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल सके दोस्तों, और मेरे वीडियो सबसे पहले देख सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, तो कमेंट अवश्य करें। ये वीडियो मैंने आपके कमेंट करने पर ही बनाई थी दोस्तों।